लास्ट फाइट महायुद्ध पूर्व शेष युद्ध 2024 साधारण निर्वाचन को महायुद्ध कहता बेले पांच राज्य विधानसभा निर्वाचन शेष युद्ध मिजोरम छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश पर राजस्थान रे ईवीएम रे बंद हो सारी हजार हजार प्रार्थी भाग्य आसंता 30 तारीख में तेलंगाना रे भोट पड़वा जा 2024 पूर्व कांग्रेस और बीजेपी मध्य शेष युद्ध बोली कहुच्छे किंतु तृतीय थर मुख्यमंत्री होगा कमर कषि देइछंती बीआरएस मुखिया के चंद्रशेखर राव अर्थात तेलंगाना रे त्रिकोणीय लड़े बीआरएस बनाम बीजेपी बनाम कांग्रेस हेले छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश और राजस्थान में इंडिया मेंट सफा हो बोली तेलंगाना रे प्रधानमंत्री कहि सारिछंती तेबे तेलंगाना त्रिकोणीय लड़े भितर पुणी थे जातीय राजनीति में तृतीय सामुख्य प्रसंग उठी जनता विश्वास त्रिकोणीय लड़े आ तृतीय सामुख्य को नहीं आसंतु चर्चा करने रिपोर्ट कि अगर किसी ने तेलंगाना को बर्बाद किया है तो वो कांग्रेस और केसीआर दोनों ही उतने ही पापी है। इनमें और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। और दूसरे तरफ आज कांग्रेस पार्टी बार बार किसान को बर्बाद करो बोल के जो है सो काम कर रहे हैं। उसी ढंग से आज फिर से एक बार तेलंगाना में किसान के मुंह में मिट्टी फेंके जैसा जो है सो कांग्रेस पार्टी काम किया है। तेलंगाना रे त्रिकोणीय लड़ाई बीजेपी कांग्रेस और बीआरएस मुहांमुही महायुद्ध पूर्व तेलंगाना रे शेष युद्ध तृतीय सामुख्य तमिलनाडु रे सजबाज तेलंगाना रे प्रचार सरी आसुची हेले प्रचार सरिबा पूर्व मैदान कंपुची प्रचार रे तीन प्रमुख दल बीजेपी कांग्रेस एवं बीआरएस रो हेवीवेट नेता आउ तेलंगाना रु प्रधानमंत्री उभय कांग्रेस और बीआरएस को टार्गेट करिसेंती या सहित केसीआर को अंधविश्वासी कहि कटाक्ष करिसेंती। इस प्रदेश पर अंधविश्वास का ठप्पा लगा दिया। जनता के पैसे से बनाया सचिवालय उन्होंने अंधविश्वास के चलते बर्बाद कर दिया। फार्म हाउस सीएम केसीआर अंधविश्वास के गुलाम गरीबों के गुनेगार एमिति भी कहते प्रधानमंत्री। फार्म हाउस सीएम की तेलंगाना को क्या आवश्यकता है? गरीबों के गुनाहगार है। फार्म हाउस सीएम 3 दिसंबर को हारेंगे। फार्म हाउस सीएम आउ जो बीआरएस एवं भोट पर बीजेपी को टार्गेट करुच्ची से बीआरएस मुखिया केमिति दिल्ली दौड़ी जाइए से कथा भी कहते प्रधानमंत्री। लंबे समय से केसीआर इस कोशिश में थे कि किसी तरह बीजेपी से दोस्ती कर लें। जब वो एक बार दिल्ली आए थे तो मुझसे मिलकर भी केसीआर ने यही रिक्वेस्ट की थी। बीजेपी निशाना रे बीआरएस एवं कांग्रेस सेपटे कांग्रेस निशाना रे बीजेपी एवं बीआरएस 10 वर्ष परे तेलंगानावासी विश्वास जीतवा को कांग्रेस उभय केंद्र एवं तेलंगाना सरकार को समालोचना करुच्ची या सहित कर्नाटक भली तेलंगाना रे 6टी ग्यारंटी लागू करने को विश्वास दूची। देश की जो केंद्र सरकार है वो भी सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चलती है। सिर्फ सत्ता में रहने का मकसद है और कोई मकसद नहीं है। आई होप, आई बिलीव इफ कांग्रेस कम टू पावर इन तेलंगाना 100% कांग्रेस पार्टी विल कम टू पावर 100% कांग्रेस पार्टी विल विन इन दिस इलेक्शन। इफ यू कम टू पावर 6 guarantees all the 6 guarantees which have been made which have been promised, all those guarantees will be implemented. कांग्रेस एवं बीजेपी मध्य लोकों को विश्वास जीतवा को अंटा भिड़ी निर्वाचन इश्तेहार सहित बीजेपी कही तेलंगाना रे बीजेपी सरकार आसिले बदली जीव हैदराबाद रो ना हैदराबाद हेब भाग्यनगर। 22 जनवरी 2024 प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर में रामलला। कांग्रेस ने तो यहाँ इसको हैदराबाद बनाया, हम तो इसको भाग्यनगर बनाने के लिए आए हैं, इसके भाग्य को बदलने के लिए आए हैं। पहले इनसे पूछ लीजिए भाग्यनगर आया कहाँ से, इनसे पूछ लीजिए, बताइए उनको, उनसे पूछिए कि भाग्यनगर कहाँ पर लिखा गया है, किधर से आया। आप हैदराबाद से नफरत करते हैं, इसलिए नफरत की निशानी है नाम बदलने की। हैदराबाद तो हमारी पहचान है, आप कैसे नाम बदलेंगे उसका। तेलंगाना रे त्रिकोणीय लड़ई तीन प्रमुख दल भितरे कांटे की टक्कर, किंतु एकथा सत जी जीतिबो लोकंको विश्वास आसंता 3 तारीख पर सीए गढ़िबो सरकार। हेले दक्षिणी राज्य तेलंगाना रे त्रिकोणीय लड़ई भितरे तमिलनाडु आसीछि तृतीय सामुख्य खबर। एकाठी देखा मिली तमिलनाडु मुख्यमंत्री एमके स्टालिन एवं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। पूर्वतन मुख्यमंत्री वीपी सिंह को प्रतिमूर्ति अनावरण पर सपा सुप्रीमो को तमिलनाडु पाछोटी नहीं स्टालिन, किंतु जाति जनगणना पर जोर देउथिबा राहुल गांधी को डाकी नाहंती कि नीतीश किंबा तेजस्वी को निमंत्रण पठाई नाहंती। एमिति कि डिसेंबर 3 पर ममता बनार्जी एवं केसीआर को भेटी पारती अखिलेश, हेले कांग्रेस सहित कली करी तृतीय सामुख्य प्रयास रे थिबा अखिलेश को झटका देइछंती राजभर बापू पुआ। जो अखिलेश यादव पेटे चिल्ला रहे हैं उनको इस बात को समझना चाहिए, अखिलेश यादव भस्मासुर रूपी नेता हो गए हैं। उन्होंने हमसे आशीर्वाद मांगा, जैसे भस्मासुर था, असुर था, वो शंकर भगवान से आशीर्वाद मांगा कि हमको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम जिसके सर पे हाथ रखे भस्म हो जाए। शंकर भगवान बिना सोचे समझे आशीर्वाद दे दिए और सबसे पहले शंकर भगवान को दौड़ा लिया। उसी प्रकार से अखिलेश यादव जी हैं, हम अखिलेश यादव जी को भस्मासुर कहते हैं। देश के चुनाव में माननीय नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो कार्यकाल है, आपने देखा कि सपा बसपा कांग्रेस की सरकारों में दंगे हुआ करते थे, लेकिन इस सरकार में एक भी दंगे नहीं हुए हैं। छिटपुट घटनाओं को छोड़ दीजिए तो ना दंगे हुए ना कर्फ्यू लगे, इस नाते विपक्ष परेशान। 5 राज्यर निर्वाचन रिजल्ट डिसेंबर 3 तारीख रे स्पष्ट करदेव क्यों राज्य रे कहा पल्ला भारी, कहा को विश्वास कले जनता। हेले त्रिमुखी लड़ई भितर तृतीय सामुख्य कथा उठी, आ तृतीय सामुख्य जदि गड़ा हुए तेबे 2024 रे इंडिया बनाम एनडीए लड़ई हे बनाई, बरं त्रिमुखी लड़ई देखा मिलिबो। ठीक जेमिति एबे तेलंगाना रे चली, जो तेलंगाना रे एबे लास्ट फाइट चली, ताहा होई जिवो फास्ट फाइट। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 7।